हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, मैंने मेला का पार्ट टू शूट कर लिया है। जब मैं गई थी पंचमी के दिन, तो यहाँ पे मिल रहे थे केन के बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम, कैप वगैरह, चूड़ियाँ भी थी और गॉगल्स भी थे, और इस तरीके से राजस्थानी चूड़ियों का पूरा आया हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही काम की आने वाली चीज़ें थी। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स मिल रहे थे। मेरे पास बैंगल्स काफ़ी हैं, तो मैंने बैंगल्स नहीं लिए थे इस बार। और ये पूरा जो अपना डेली वेयर का यूज का आइटम होता है, इसमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिए थी छन्नी, जिससे कि हम पूरी वगैरह तलते हैं, और मैंने लिया था भूनने वाला स्टैंड, लाइटर और प्लेट्स, कप ढकने वाले प्लेट्स। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी इस दुकान से, क्योंकि तो हमें बहुत सारे काम की चीज़ें दिखी थी। और ये देखिए सोफ़ा कवर की भी यहाँ दुकान थी, तो यहाँ से मैंने लिए थे डोर मैट बिछाने वाले। और ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने खाई थी कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही बचपन की याद दिला देती है। इस तरीके की कुल्फ़ी तो हम सब लोगों ने खाई थी, आर्यन ने खाई थी, मैंने खाई थी और आरव ने खाई थी। और इस तरीके से हम लोगों ने मेला में खूब मस्ती करते हुए, यहाँ पे मिल रहे थे फ्लावर्स, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हम लोगों ने बाद में लिए थे, जो एक बाहर में मेला के बाहर एक दुकान लगी हुई थी वहाँ से लिए थे। और फिर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, जहाँ पे मंदिर मतलब पंडाल, जहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हुए थे ओपन पंडाल में। वहाँ यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे जो जगन्नाथ जी आते हैं दूसरे जगह की, उनको फर्स्ट स्थापना की जाती है, और उनके ही दर्शन हम लोग देखने गए थे, और उनको ही हम लोगों ने उनकी पूजा अर्चना भी अटेंड किया, आरती भी अटेंड किया। देखिए फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए भगवान जगन्नाथ जी के साथ में, और बहुत भीड़ थी पंचमी वाले दिन, बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर हम लोग चले गए थे पूजा वाली दुकान में, जहाँ पे पूजा के बर्तन वगैरह मिलते हैं। यहाँ से भी हम लोगों ने एक दो आइटम परचेज किए थे, जैसे कि जो 5 दिए वाली आरती होती है, गंगा जली होती है, इस तरीके की चीज़ें मैंने ली थी। यहाँ पर बहुत अच्छी पिछवाई मिल रही थी जगन्नाथ जी की। और फिर हम लोग चले गए थे एक और जगन्नाथ जी के दुकान मंदिर में, जगन्नाथ जी की सॉरी, वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी जगन्नाथ जी के, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो मिल रहे थे। वहाँ से हम लोगों ने 2 जगन्नाथ जी के अच्छे वाले फ़ोटो परचेज किए। और यहाँ पे बहुत सारे पूरा मंदिर आइटम मिल रहा था, जैसे कि भगवान वगैरह जो रहते हैं, तो इनकी यहाँ भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, टाइम हो रहा था, तो ये सब देखने के बाद हम लोग पहुंच गए थे खाने पीने के स्टॉल में जा रहे थे, तो क्योंकि बच्चे लोग को भूख लगाई थी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे,
झूले तो हम लोग उस दिन नहीं झूल पाए, भीड़ भी काफ़ी थी। और जो झूला झूलने का जिद कर रहा था आर्यन, वो बड़ा वाला झूला झूलने का मन था, और वो तो मुझे भी डर लगता है उसमें बैठने में। तो चलो एक आध बार ट्राई करेंगे, खैर बैठेंगे, लेकिन अभी तो इस बार नहीं बैठ पाई मैं। तो ये आर्यन, ये सब बच्चों वाले जितने भी झूले थे वो पहले झूल चुका है, आर और आर्यन दोनों, तो इन लोगों ने नहीं झूले इस बार। और अभी हम लोग को बड़ा वाला झूला देखेंगे, यदि हिम्मत हुई तो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया वहाँ पे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, आरवार ने चाउमीन खाई थी, और मिर्ची के पकोड़े, ये सब खाया, और बाहर आके भुट्टे खाए थे। और इसके अलावा फिर हम लोग ने वहीं पे आधा हम लोग का डिनर हो चुका था, फिर हम लोगों ने खाते खाते हम लोग फिर बाहर निकले। और यहाँ पे सारी ही दुकानें अच्छी थी, खाने की चीज़ें तो हमें देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, और बिना खाए पिए तो हम लोग निकलते नहीं। और फिर छुक छुक ट्रेन वगैरह बाहर चल रही थी, मतलब इसका बाहर से व्यू था ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेला जाने में बहुत मज़ा आता है, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, और जितना हो सके हमें उनसे ख़रीदारी कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।